शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये किताब खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है, ऐसी किताब जिसकी आयतें वाज़े उल मआनी हैं, यानी कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो बशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है, लेकिन उनमें से अक्सरों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उससे हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो कि मैं भी आदमी हूं जैसे तुम, हां मुझ पर यह वही आती है कि तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जे रहो और उसी से मगफिरत मांगो, और मुशरिकों पर अफसोस है जो जकात नहीं देते और आखिरत के भी कायल नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। कहो, क्या तुम उससे इनकार करते हो जिसने जमीन को दो दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्द मुकाबिल बनाते हो? वही तो सारे जहान का मालिक है, और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान्य मईशत मुकद्दर किया सब चार दिन में, और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुजयन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंघाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंघाड़ का अजाब आया था, जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो। कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता, सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। जो आद थे वो नाहक मुल्क में गुरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे, तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी न मिलेगी। और जो समूद थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके आमाल की सजा में कड़क ने उनको आ पकड़ा और वो जिल्लत का अजाब था। और जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे उनको हमने बचा लिया, और जिस दिन खुदा के दुश्मन दोजख की तरफ चलाए जाएंगे तो तरतीब वार कर लिए जाएंगे, यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे, और वो अपने चमड़ों यानी आजा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी? वो कहेंगे कि जिस खुदा ने सब चीजों को नुत्ख बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है, और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और चमड़े तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगे, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि खुदा को तुम्हारे बहुत से अमलों की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो उनका ठिकाना दोजख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने शैतानों को उनका हमनशीन मुकर्रर कर दिया था, तो उन्होंने उनके अगले और पिछले आमाल उनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो उनसे पहले गुजर चुकी उन पर भी खुदा के अजाब का वादा पूरा हो गया, बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। और काफिर कहने लगे
कि इस कुरान को सुना ही ना करो और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमलों की जो वो करते थे सजा देंगे। ये खुदा के दुश्मनों का बदला है यानी दोजख, उनके लिए उसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव के तले रौंद डालें ताकि वो निहायत जलील हों। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहां जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो खुदा की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो खुदा की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता जानता है। और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है। अगर ये लोग सरकशी करें तो खुदा को भी उनकी परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। और ऐ बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू जमीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है, जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो शादाब हो जाती और फूलने लगती है। तो जिसने जमीन को जिंदा किया वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। जो लोग हमारी आयतों में कजराही करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोजख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो कयामत के दिन अमन व अमान से आए? तो खैर, जो चाहो सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, और ये तो एक आली रुतबा किताब है, इस पर झूठ का दखल न आगे से हो सकता है न पीछे से, और दाना और खूबियों वाले खुदा की उतारी हुई है। हामीम। तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले और पैगंबरों से कही गई थीं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अजाब अलीम देने वाला भी है। और अगर हम इस कुरान को गैर जबान अरब में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोल कर बयान नहीं की गईं? क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी यानी बहरापन है, और ये उनके हक में मूजिबे नाबिनाई है। गरानी के सबब उनको गोया दूर जगह से आवाज दी जाती है। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और ये इस कुरान से शक में उलझ रहे हैं। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। कयामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी कयामत का इल्म उसी को है, और ना तो फल गाभों से निकलते हैं और ना कोई मादा हामिला होती और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो खुदा के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गायब हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए मुखलसी नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं,
اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔